वेलकम टू माय चैनल हेल्थ फूड ट्रैवल कैफे। दोस्तों, आज हम सूजी और बेसन की एक बहुत अच्छी सी स्वीट रेसिपी बनाएंगे, वो जिसमें हम ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे, घी का भी यूज करेंगे और बनाने में काफी कम समय लगेगा। इंग्रेडिएंट्स तो काफी कम है ही। तो ये देखिए कितनी अच्छी लड्डू बनकर रेडी हो गई है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं इस सूजी बेसन लड्डू को। इसके पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। स्टार्ट करते हैं इस लड्डू को बनाना। ये सूजी बेसन लड्डू बनाने के लिए मैंने एक कटोरी सूजी लिया है और एक कटोरी बेसन, दोनों आपको इक्वल क्वांटिटी में लेना है। और उसके साथ इसमें लगभग 4 चम्मच घी, और इसे हम हाथों से थोड़ा सा मैन दे देंगे अच्छे से। इस तरह से आपको पूरा घी इसमें मिला देना है। ये हमारा अच्छे से मैन हो गया है इसमें। आप देखिए, यदि आपको घी कम लग रहा है तो आप डाल सकते हैं। वैसे थोड़ा सा बाइंडिंग टाइप से आ रहा है, इसका मतलब इसमें घी परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर, धीरे धीरे पानी डालकर इसका डो रेडी करेंगे। आपको बहुत गीला डो नहीं बनाना है, इसको नॉर्मल डो जैसे हम आटे का बनाते हैं उस तरह से। क्योंकि ये पानी उसी हिसाब से डालें, ज़्यादा कड़ा ना हो जाए, क्योंकि सूजी जो है थोड़ा सा फूलता है, ताकि उसका कोई क्रैक भी इसमें ना रहे। ये हमारा डो लगभग रेडी हो चुका है। ये देखिए, मैंने इसको पूरा सॉफ्ट कर दिया है थोड़ा हाथों से। ये देखिए, ये पूरा हमारा अच्छे से बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए बहुत अच्छे से ये डो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हाथों से इस तरह से आप कोई भी शेप दे सकते हैं, क्योंकि हमें एक रफ शेप चाहिए, हमें इसे फ्राई करना है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं सिलेंड्रिकल शेप में, या फिर चाहे तो आप उसे फ्लैट करके वैसे भी बना सकते हैं। आप ध्यान रखें कि वो क्रैक ना आए, क्योंकि फ्राई करते समय वो फट सकता है, तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। मैं जैसे इसे फ्लैट कर दे रही हूँ थोड़ा, इस तरह से आपको फ्लैट करके ऐसे देखिए। शेप आप कोई सा भी दे सकते हैं जो कि आपको फ्राई करने में इजी रहेगा। ये इस तरह से मैंने ये फ्लैट शेप दे दिया इसे। इसी तरह आपको जितना भी ये जो डो है, इसी से सारा इसी तरह से बनाना है। आप चाहे तो ये भी बना सकते हैं, मैं एक ऐसा भी बना के रख देती हूँ।
काफी अच्छा वो बेसन और सूजी का जो कॉम्बिनेशन होता है इसमें, इसके साथ मैंने घी डाला है, वो बहुत अच्छा लगता है। वो थोड़ा सा क्रिस्पीनेस भी रहता है आपका वो लड्डू जो बनेगा उसमें, और बेसन की तरह बेसन के चलते थोड़ा सा वो सॉफ्टनेस भी आएगा। ये देखिए इसी तरह आपको सारा बना लेना है, और हमारा ये रेडी हो गया है। अभी हम कढ़ाई में थोड़ा डालेंगे ये घी या तेल जो भी है, फ्राइंग ऑयल या घी आपको जो भी यूज करना है, वो एक कढ़ाई में इसको लो मीडियम फ्लेम रखना है, और तेल ज्यादा गर्म ना हो, तेल आपको मतलब हल्का गर्म हो, हल्का से थोड़ा सा ज्यादा, और इसको आप इसमें फ्राई कर देंगे। ये फ्राई करने का हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा जो सूजी बेसन जो भूनने का जो झंझट है वो इसमें खत्म हो जाएगा। और बहुत बार होता है कि थोड़ा सा कम भुना हो गया या फिर ज़्यादा भून गया तो जला हुआ टेस्ट आता है, या फिर वो बेसन का कड़वा टेस्ट आता है, वो इससे नहीं आएगा। और ये चारों तरह से यूनिफॉर्मली पक भी जाएगा। यदि आपके पास ज्यादा है तो आप दो बार में डालिए, मेरा कम था, मैंने एक बार में इसे फ्राई कर दिया है। इस तरह से इसको पलट पलट कर हल्का ब्राउन होने तक आपको इसे पकाना है। आप इसमें कोई भी शेप रख सकते हैं, यदि आप ज्यादा पतला करके रखें तो और अच्छा है, और जल्दी हो जाएगा वो आपका फ्राई करने वाला जो प्रोसेस है वो जल्दी हो जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई हो रहा है, बहुत कम समय लगता है इसमें, झंझट भी नहीं है, बार बार वो बेसन और हल्दी है सॉरी बेसन और सूजी को अलग अलग से भूनने वाले प्रोसेस से हम बच जाएंगे। ये देखिए ये हमारा हो चुका है हल्का ब्राउन तक, बहुत ज्यादा इसको आपको ये नहीं करना है, अभी हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे निकाल कर और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमारा ये रेडी हो रहा है मतलब ठंडा हो रहा है, तब तक हम चाशनी बना लेते हैं इसकी। चाशनी बनाने के लिए आप ध्यान रखिए, आपने जितना सूजी और बेसन लिया है उसका हाफ आपको चीनी लेना है। जैसे हमने एक कटोरी सूजी और एक कटोरी बेसन लिया था, तो मैंने इसी से एक कटोरी चीनी लिया है, और आपने जितना चीनी लिया है उसका हाफ आपको पानी लेना है। और इस तरह से ये चाशनी आपकी रेडी होगी। चाशनी आपको बहुत ज्यादा थिक नहीं रखना है, मतलब एक तार में भी थोड़ा पतला होना चाहिए, पूरा तार नहीं, एक तार में थोड़ी पतली चाशनी इसमें होनी चाहिए। तो हमारा ये चाशनी रेडी हो रहा है, ये चाशनी भी हमारी लगभग रेडी है। ये देख लेते हैं, इसे हल्का बस थोड़ा सा, और ये देखिए हल्का सा ये ऐसे आ रहा है, इस तरह से हल्का चिपक रहा है, इस तरह से हल्का ऐसे करके ऐसे आ रहा है, इसका मतलब ये चाशनी हमारा हो चुका है। हम गैस ऑफ कर देंगे और इसके साथ हम ये देख लेते हैं
हमने ये जो बना कर रखा हुआ था फ्राई करके बेसन और सूजी को जो रखा हुआ था, ये हमारा लगभग ठंडा हो चुका है। इसे हम इस तरह से तोड़ लेंगे। देखिए ये काफी क्रिस्पी जैसा भी हो गया है, इसका मतलब ये अच्छे से पक गया है। इसे हम इस तरह से तोड़ लेंगे हाथों से। थोड़ा हल्का गर्म है ये, जब अच्छे से ठंडा हो जाए तो और आसानी से ये टूट जाएगा पूरा। ये देखिए ये हमारा लगभग सारे को हमने ऐसे करके तोड़ लिया और ये पक भी चुका है, क्योंकि अंदर से भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है पका हुआ टाइप का और ऊपर से क्रंची जैसा है, क्योंकि हमने इसे मीडियम लो फ्लेम पर पकाया था, तो इसलिए अच्छे से फ्राई हो चुका है ये। और इसमें कच्चापन जो है सूजी और बेसन का वो भी निकल गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक ग्राइंडर में इसे डालेंगे और इसे हम ग्राइंड करेंगे। ये चाशनी थोड़ा सा ठंडी हो जाए तब तक हम इधर, हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रखा हुआ है, ये ड्राई फ्रूट्स काट कर इसमें रखा है, ये इसको मिला देंगे। आप ड्राई फ्रूट्स अपना अपनी मर्जी के अनुसार जो भी चाहिए वो आप यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ये इलायची पाउडर, सारे ड्राई फ्रूट्स को इसमें अच्छे से मिला देंगे, क्योंकि हमारी चाशनी जब थोड़ी सी मतलब हल्की गर्म हो, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्के गर्म में ही हम उसे डालेंगे ताकि ये अच्छे से हमारा लड्डू बन सकेगा। और सारे ड्राई फ्रूट्स को भी इसमें मिला देंगे, इलायची की भी खुशबू आ रही है इसमें बहुत अच्छे से। और ये देखिए ये काफ़ी अच्छा लग रहा है लड्डू। ये चाशनी भी हमारी ठंडी हो चुकी है, अब हम इसमें धीरे धीरे करके चाशनी डालेंगे और इसे इस तरह से मिलाते जाएंगे। चाशनी आपको थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है ताकि वो कड़ा ना हो जाए, एक बार में जम ना जाए आपका वो, ये बनाने में आपको परेशानी नहीं होगी। आपको यदि मीठा ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा सा चीनी और भी अपना डाल सकते हैं चाशनी में। ये देखिए हमारा लगभग पूरा रेडी हो चुका है, इस तरह से देखते हैं ये लड्डू भी हमारा परफेक्ट आ रहा है। इसका मतलब हमारी सारी जो भी इंग्रेडिएंट्स थे एकदम एग्जैक्ट मात्रा में थे। ये देखिए मैं इस तरह का ऐसे इसकी लड्डू बना रही हूँ। और ये बेसन और सूजी का जो ये लड्डू है, देखिए लगभग 15 से 20 मिनट में ये बन जाता है। इंग्रेडिएंट्स भी काफ़ी आपके घर में ही है, ज़्यादा इसमें कुछ यूज़ नहीं हुआ है। और लॉकडाउन पीरियड में आप एक अलग तरह की मिठाई के रूप में इसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से सारे लड्डू आपको बना, ये देखिए इसी तरह से सारे लड्डू हमारे रेडी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आपको हमारी ये लड्डू वाली रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट करें, और साथ ही मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। गुड बाय।